सिविल इंजीनियर्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस वेबिनार सीरीज ऑन सिविल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉक्स टाइप वाटरप्रूफिंग की। जैसा कि आप जानते हैं, बॉक्स टाइप वाटरप्रूफिंग हम लोगों को कहाँ कहाँ पे करना पड़ता है, तो बेसमेंट के जितने एरिया रहता है, बेसमेंट का स्ट्रक्चर जो है, या फिर आपका लिफ्ट का पिट है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो रहते हैं, उसके चारों तरफ हमको ये बॉक्स टाइप वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले हमको फाउंडेशन के पहले एक्चुअली इसका काम शुरू होता है। सबसे पहले आपको जो फाउंडिंग लेवल आने के बाद जिस भी एरिया में आपको वाटर प्रूफिंग करना है, उसमें आपको 150 mm थिक 136 का प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट डालना पड़ता है। तो वो आप बढ़िया डालिए और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखिए, कम से कम 6-6 इंच आपकी जो फाउंडेशन की साइज है, या लिफ्ट पिट की साइज है, या वाटर टैंक की साइज है, उसके बाहर 6-6 इंच जाना चाहिए। वो आप कर दीजिए, उसको फिनिश कर दीजिए अच्छे से। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है लेइंग ऑफ शाहबाद स्टोन। शाहबाद स्टोन क्यों हम लोग इसमें यूज करते हैं बॉक्स टाइप वाटरप्रूफ जनरली, क्योंकि शाहबाद स्टोन एक तो थोड़ा सा डेंसिटी उसकी कंपेरेटिव टू अदर स्टोन कम है, प्लस इसकी इम्परवियसनेस अच्छी है, वाटर इसके थ्रू पास नहीं हो पाता है जल्दी। सो दैट इज अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ शाहबाद स्टोन। हालांकि दूसरे स्टोन भी आप यूज कर सकते हो, जिस एरिया में कोटा स्टोन ज्यादा मिलता है, यदि वहां सस्ता है तो कोटा स्टोन भी लगा सकते हैं। शाहबाद स्टोन जनरली इट इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स इम्परवियस कैरेक्टरिस्टिक। तो जनरली हम लोग 500x500 के या 600x600 के 40-50 mm थिक शाहबाद स्टोन फ्लोर में डालते हैं, उसके बॉटम में वो आप लगाइए उनको अच्छे से 1:3 के सीमेंट मोर्टार में विद वाटर प्रूफिंग कंपाउंड फिक्स करिए। उनके ज्वाइंट को अगले दिन बढ़िया सील करिए और ज्वाइंट्स को ग्राउटिंग भी करिए, ताकि कहीं कोई गैप नहीं बचे उसके अंदर। वो पूरे एरिया में करने के बाद उसको आप एरिया को फिनिश कर दीजिए, उसके ऊपर फिर आप 1:3 का सीमेंट एंड मोर्टार से उसकी 2-4 दिन क्यूरिंग करने के बाद उसके ऊपर बढ़िया प्लास्टर कर दीजिए। तो ये आपका बॉटम रेडी हो गया अभी फाउंडेशन बनाने के लिए, और बाहर थोड़ा थोड़ा वाटर प्रूफिंग जो 6 इंच का हमने एक्स्ट्रा पोर्शन लिया था उसमें आपका ये निकल जाएगा। अब इसके ऊपर आप आपका यदि लिफ्ट पिट है तो लिफ्ट की वाल बनाइए फाउंडेशन के साथ, वाटर टैंक है तो वाटर टैंक की वाल उठाइए, जो भी स्ट्रक्चर है, बेसमेंट है तो बेसमेंट की वाल उठाइए। बेसमेंट की वाल या वाटर टैंक की वाल ऊपर तक होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, फिर हमारा काम चालू होता है साइड में। इसको हमको बॉक्स टाइप इसीलिए बोलते हैं कि पूरा बॉक्स हमको कवर करना है फ्रॉम ऑल दी फोर साइड्स। और वो जो ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट प्रॉपरली आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज ज्वाइंट इज दी वल्नरेबल पॉइंट। तो जो हमने बाहर वाटर प्रूफिंग निकाला है उसी को बेस बनाते हुए 50 mm के ऊपर आप नई लेयर शुरू करिए वाटर प्रूफिंग की, और वर्टिकल साइड में उसको अच्छे से पहले हैकिंग वगैरह करिए, क्लोज हैकिंग करिए, बिकॉज टाइल हैज टू रेस्ट वर्टिकली ऑन दी फेस ऑफ दी लिफ्ट वॉल और वाटर टैंक। उसको करने के बाद उसमें बढ़िया हैकिंग करिए, क्लोज हैकिंग, और साइड के लिए जो स्टोन्स आप लगाएंगे वो आप जनरली 20-25 mm थिकनेस वाले लगाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट होगा तो वो पत्थर आपका नीचे आने की चांसेस हैं। वो लगाइए एक लेयर, एक पहले लगाइए, फिर सेकंड लेयर लगाइए, एक दिन में 2 लेयर से ज्यादा मत लगाइए उसको। फिर उसके बाद अगले दिन उसकी फिनिश करिए, पूरा ज्वाइंट सील करिए, और वर्टिकल सरफेस पर जब आप पत्थर लगाएंगे तो उसको सीमेंट सैंड मोर्टार तो लगाएंगे ही आप, उसके साथ थोड़ा सीमेंट पेस्ट भी आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो चिपकेगा नहीं उसमें। उसके बाद उसके ज्वाइंट्स को पूरा बढ़िया ग्राउट करिए सीमेंट 1:2 के सीमेंट पेस्ट के साथ में, और उसके बाद उसको बढ़िया फिनिश करिए। फिर अगले दिन आप उस ट्रीटमेंट को ऊपर लेके जाइए, ऐसा करके आप ग्राउंड लेवल तक आइए। पहले ग्राउंड लेवल तक आने के बाद जो वाटर टैंक आपका यदि ग्राउंड के ऊपर भी है, थोड़ा पार्टली अबव पार्टली बिलो है, तो थोड़ा सा ऊपर भी आप उसको कम से कम 600 तक लेके आइए, या लिफ्ट का पेट है उसको भी ग्राउंड लेवल तक, फिनिश फ्लोर लेवल तक आपका लेके आइए उसको ट्रीटमेंट को। तो ये हो गया दोस्तों आपका चारों तरफ से करने के बाद में, दिस इज कॉल्ड बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग। बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग ये कन्वेंशनल मेथड है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, कन्वेंशनल मेथड इज द बेस्ट मेथड, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग होता है। आजकल बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग होता है, कॉन्क्रीट में वो कुछ केमिकल मिक्स कर देते हैं, पर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं लगी मुझे। दिस इज द बेस्ट वे, और इसमें आपको एक बार अच्छा यदि हो गया तो इसमें आपको लाइफ लॉन्ग कोई तकलीफ नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बॉक्स टाइप वाटर प्रूफिंग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे अगले वीडियो का। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।